अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया लाइव और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुधीर शर्मा। आज हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के हालात पर चर्चा करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर मंदी, मुश्किल और महामारी की चपेट में है। दोबारा यह कारोबार कब पटरी पर आएगा और इसके लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर को उबरने के लिए क्या करना होगा, इन्हीं सब मुद्दों और सवालों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट चेतन बंडेवार जी। आप कारजार जो मल्टी ब्रांड लग्जरी वर्कशॉप है उसके आप फाउंडर हैं और टोमेसेटो अचिले जो महाराष्ट्र में सीएनजी फिटमेंट के लिए अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसके आप संचालक हैं। तो सर आपका इस बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, सबसे पहले मैं टीवी वन इंडिया और शर्मा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आमंत्रित किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित हो और आपके साथ में आपकी कार भी सुरक्षित है। सर जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा, पहले लॉकडाउन 1 हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और अब 5 और एक तरह से लॉकडाउन अब ओपन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इतने लंबे लॉकडाउन से ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, खासकर सर्विस सेक्टर पर कितना बड़ा इसका असर पड़ा है, किस तरह का कारोबारी नुकसान आपको दिख रहा है? देखिए, कोरोना के महामारी के चलते हुए सब जितने भी इंडस्ट्री है सबको नुकसान तो हुआ है, प्लस अभी लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोगों को कार का सर्विस करने को नहीं मिल रहा है मौका, तो सब लोग घर में कैद है तो किसी को भी मौका नहीं मिल रहा है और ये जो इसमें जो है नुकसान तो सब लोगों का हुआ है, प्लस ऑटोमोबाइल रिलेटेड जो है उसमें तो सबके वर्कशॉप वगैरह जो है वो सब बंद है, तो किसी का भी काम चालू नहीं है, इसके अंदर जो है सबका नुकसान हुआ है और ये नुकसान जो है इसका भरपाई होने के लिए और कितने महीने जाएंगे किसी को भी पता नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप जैसा कह रहे हैं कि इतना बड़ा कारोबारी नुकसान हुआ क्योंकि सब कुछ ठप था, तो जाहिर सी बात है जब सारा कारोबार ठप था तो नुकसान, आर्थिक नुकसान होने वाला है। सर अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा तो ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों से जुड़ा हुआ ये सेक्टर है, ऐसे में जो ये इतनी लंबी जो तालाबंदी हुई है उसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से हुआ है रोजगार पर? खासकर रोजगार पे तो इम्पैक्ट हुआ ही है, प्लस अभी जो गवर्नमेंट के जो रूल्स आ रहे हैं कि फेस वाइज वो ओपन करने का चालू है, तो वो गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है वो काफी अच्छा निर्णय लिया है, तो फेस वाइज जब ओपन होएगा तो उस हिसाब से अपना जो बिजनेस है धीरे धीरे जो है वो पटरी पे आएगा। उस देखिए उम्मीद तो है, जैसा कल गवर्नमेंट ने जो है गाइडलाइंस के हिसाब से जो है फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4 में जो है हर एक बिजनेस चालू करने का उन्होंने तैयारी कर ली है, तो उसके हिसाब से जो है ये चालू होने के बाद में जो है वो हम लोगों को जो है वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इस स्टार्ट होने के बाद में सब चालू होने के बाद में हम लोग पटरी पे आके कैसा बाहर निकल सकते हैं ये हमको तैयारी करना पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद जिस तरह के हालात बन रहे हैं, नया सिस्टम अपनाना होगा, आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का सिस्टम होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और कारोबार भी चलता रहे? देखिए अभी बिजनेस वालों को जो है वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, प्लस इतना पहले हर्डल्स नहीं थे, अभी जो है नए हिसाब से पूरा काम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले लेबर का अगर हम लोग बात करेंगे तो लेबर का जो हम लोगों के वर्कशॉप में जो है वो बायोमेट्रिक मशीन था तो अभी हमको वो बंद करना पड़ेगा, प्लस जब लेबर्स लोग वर्कशॉप में आएंगे तो उनका जो है वो टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा, हमको उनके लिए सैनिटाइजेशन का व्यवस्था करना, सुविधा करना पड़ेगा, प्लस लंच टाइम जब रहेगा लेबर लोगों का तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, उनको सबको बोलना पड़ेगा कि एवरी 2 आवर्स जो है वो आपको हैंड वॉश करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें जो है अभी वो चेंज करना पड़ेगा। कस्टमर के लिए जो है हम लोगों को सबसे पहले जब कस्टमर आएगा उनका भी टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा, प्लस जब गाड़ी आएगा उनका तो फर्स्ट हमको उनका सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन करने के बाद में फिर हमको वो कार को टच करना पड़ेगा और फिर जो काम रहेगा कार के अंदर वो हमको करना पड़ेगा, तो जब कस्टमर लॉन्च में बैठेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसा मेंटेन होएगा वो भी, उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्लस आपका जो ये रहेगा कार का जो रहेगा उसमें उसके अंदर जो है
स्टेरिंग हो गया, गियर नॉब हो गया, ये सब जिधर आपका हैंड टच होता है उसको डिसइंफेक्टेंट करके फिर हमको वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा उसके अंदर। पहले जैसा सिस्टम नहीं रहेगा कामकाज का, तो टेक्निकल चैलेंज इसमें किस तरह की आने वाली है, क्योंकि पहले सारा काम मैनुअल होता था, लोग खुद अपनी गाड़ियां लेकर आते थे और जितने भी इम्प्लॉई थे या जो जो काम करने वाले लोग थे वो फिजिकली एक दूसरे के टच में था, और अगर अगर उसकी टेक्निकल चैलेंज होगी तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकल सकेगा? देखिए टेक्निकल सॉल्यूशन तो हमको निकालना ही पड़ेगा। जब अभी हम लोगों ने भी ये जो लॉकडाउन है, जो दो ढाई महीने का जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो पूरा वर्क कर लिया है। पहले हम लोग जो जब कस्टमर आते थे गाड़ी लेके तो हम लोग उनको मैनुअल जो है वो हम लोग जॉब कार्ड देते थे, अभी हमने जो है वो डिजिटल जॉब कार्ड चालू किया है, तो कस्टमर घर पे ही बैठ के जो उसका काम कार के अंदर हो रहा है वो घर पे ही बैठ के देख सकता है, तो उसको वर्कशॉप में आने की जरूरत नहीं है। प्लस बिलिंग का जो है, बिलिंग के अंदर भी हम लोग पहले हार्ड कॉपी कस्टमर को देते थे, तो अभी हम लोग ईमेल और मोबाइल के थ्रू जो है डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग अभी बिल सेंड कर रहे हैं, तो जो भी पेमेंट रहेगा आप घर पे ही बैठ के उसका पेमेंट कर सकते हो। एक जो बात उभर कर सामने आ रही है कि अगर लॉकडाउन खुला उस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चलेगी, लेकिन जो गाइडलाइंस है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा ताकि कोरोना संक्रमण ना हो, तो क्या इसके वजह से जो टू व्हीलर्स या खासकर इलेक्ट्रिक बाइक्स है या सेकेंड हैंड बाइक्स है उसकी सेल पर कोई असर पड़ेगा, कोई सेल बढ़ेगी? देखिए ये महामारी के चलते हुए जो है कोरोना का जो डर है वो सब आदमी के अंदर जा चुका है, तो बहुत सारे लोग इसके अंदर डरे हुए है, तो हमारे जो कुछ एक्सपर्ट है उनके हिसाब से जो है जब बाहर कंट्रीज में लॉकडाउन ओपन हुआ है तो उधर जो है टू व्हीलर और फोर व्हीलर का जो सेल है वो बढ़ चुका है, कहीं 20% बढ़ा है तो कहीं 25% बढ़ा है, क्योंकि कोई भी जो लोग है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसमें जा नहीं रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो सबके मन में डर पैदा हो चुका है कोरोना का। तो इंडिया में भी जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो उसके अंदर जो है टू व्हीलर और फोर व्हीलर का सेल मेरे हिसाब से तो बढ़ेगा 100% कि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वो इंडिया इकोनॉमी में सेकंड नंबर पे है, तो इसका जो है अगर सेल बढ़ेगा टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर का तो ऑफकोर्स इंडिया का इकोनॉमी भी बूस्ट हो सकता है। क्या आप आगे क्या आप किस तरह का और सर्विस की कोई प्लानिंग और नया कोई विजन आपका है जो पोस्ट लॉकडाउन शुरू होने वाला है, या क्या कहीं नया शोरूम आप खोलने वाले हैं, किस तरह की नई 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 तैयारी है आपके कंपनी की? अभी हम लोग जो है ऑटोटेक सेंटर लिमिटेड जो है उसका नया एक ब्रांड लेके आने वाले है, जिसके अंदर पूरा इंडिया का जो अनऑथोराइज्ड हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको हम पूरा डिजिटल पे लेके आने वाले हैं। उसमें पंचर से लेके टू व्हीलर से लेके फोर व्हीलर से जितना भी हेवी व्हीकल्स है उसको पूरा डिजिटल एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाले हैं। उसका ऐप का पूरा अभी हमारा काम चालू है, तो हम ये 2020 में नियर अबाउट 1000 वर्कशॉप जो है उसका हम लोग टाइप का हमारा मिशन है, तो उसके अंदर जो ऐप जो है उसके जितना भी वर्कशॉप टाइप होएगा हमारा इंडिया के अंदर वो पूरा आपको ऐप पे दिखेगा। अगर आप किधर थर्ड जगह अगर आप किधर गाड़ी आपका रुका हुआ है तो जो भी हमारा पास का ऑटोटेक सेंटर रहेगा उधर से हमारा जो है एम्बुलेंस आएगा, ऑटो एम्बुलेंस आएगा और आपको उधर ही पूरा जगह पे सर्विस आपको करके मिल जाएगा, इमीडिएट सर्विस करके मिल जाएगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी जो कंपनी है किस तरह से आप आने वाले समय में अपने कारोबार को देखते हैं, अगर प्री अगर चैलेंज देखें आपके अपने कारोबार के तब क्या थे, और पोस्ट लॉकडाउन किस तरह के चैलेंज आपके कामकाज को लेकर रहेंगे? देखिए जब से इंडिया में एलपीजी सीएनजी लीगल हुआ है तब से हम लोग महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर है, हमने नियर अबाउट पूरे महाराष्ट्र में 1 से 2 लाख किट अभी तक बेच चुके हैं जो टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर के हैं, और हमारा जो महाराष्ट्र में नेटवर्क है वो नियर अबाउट 200 डीलर हमारे ऑलरेडी है एलपीजी सीएनजी के, और एलपीजी सीएनजी जो है वो आपका जो फोर व्हीलर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में है जिसमें आपको
कार का जो सेविंग है, रनिंग कॉस्ट जो है, नियर अबाउट 70% तक आपका ड्रॉप होता है उसके अंदर। तो हमारा जो मेन बिजनेस है वो सीएनजी का ही है। प्लस हमने अभी 4-5 साल पहले जो है हमने नया वर्कशॉप सेटअप किया है, जिधर आपका मारुति 800 से लेके मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू तक पूरा डेंटिंग, पेंटिंग, सर्विसिंग, इंश्योरेंस वर्क उधर सब काम होता है। और हमने जितना भी मशीनरीज लिया है वो पूरा जर्मन बेस्ड वुर्त कंपनी का है, जो जर्मनी की सबसे जानी मानी कंपनी है, जो ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज में वो लोग जो मशीन यूज करते वही सेम मशीन जो है हम लोग हमारे वर्कशॉप में सेटअप किए। वो 2.5 महीने का जो लॉकडाउन हुआ है इसमें हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो पूरा वर्क कर लिया है। पहले हम लोग जो जब कस्टमर आते थे गाड़ी लेके तो हम लोग उनको मैनुअल जो है वो हम लोग जॉब कार्ड देते थे, अभी हमने जो है वो डिजिटल जॉब कार्ड चालू किया है। तो कस्टमर घर पे ही बैठ के जो उसका काम कार के अंदर हो रहा है वो घर पे ही बैठ के देख सकता है, तो उसको वर्कशॉप में आने की जरूरत नहीं है। प्लस बिलिंग का जो है, बिलिंग के अंदर भी हम लोग पहले हार्ड कॉपी कस्टमर को देते थे, तो अभी हम लोग ईमेल और मोबाइल के थ्रू जो है डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग अभी बिल सेंड कर रहे हैं। तो जो भी पेमेंट रहेगा आप घर पे ही बैठ के उसका पेमेंट कर सकते हो। कोरोना के महामारी के चलते हुए कस्टमर्स को है किस हिसाब से प्रॉफिट होएगा उस पे हमने वर्क किया है। हमने बहुत सारे पैकेजेस उसके अंदर किए, हमने 360 डिग्री का भी जो है कार का वो फ्री, पूरा फ्री चेकअप का हम लोगों ने ये किया है। प्लस सैनिटाइजेशन जो है, जो मेन आज की घड़ी में जो मेन कार का सैनिटाइजेशन है उसका हम लोग एकदम कम रेट में उसको हम लोग कस्टमर को सर्विस में करके दे देंगे। जो है बहुत सारे पैकेजेस है जो हम लोग लेके आने वाले हैं। अभी सर आपसे एक आखिरी संदेश आपसे लेना चाहेंगे कि आप अपने कंपनी के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके लिए और जो नए लोग हैं उनको आप कैसे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे आप उनको आह्वान करना चाहेंगे कि जो आपके यहाँ सर्विसेस हैं और जो आफ्टर लॉकडाउन नई जो सेवाएं आप शुरू कर रहे हैं उसका फायदा वो सीधे आप आपसे उठा सके। हमने अभी बहुत सारी एडवांसमेंट की हुई है ताकि आप और आपकी कार जो है वो सुरक्षित रहे। और मैं अपील करता हूं कि हमारे जो सुविधा है उसका आप लाभ उठाए। किसी साहब ने लिखा है कि फिर शुरू करनी है उसी मोड़ से जिंदगी जहां गुलजार थे दिन, बेखौफ थी रातें हैं, और आज भय है सन्नाटा हुआ तो क्या हुआ, यकीन रखिए कल अच्छे दिन फिर लौट आएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि कल कोरोना हारेगा, लॉकडाउन हटेगा और फिर से कारोबार अपनी पटरी पर आएगा और हम सब लोग नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ अपने अपने काम में जुट जाएंगे। आज की हमारी ये बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो अपनी राय जरूर दीजिएगा, और यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप टीवी ऑन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए टीवी ऑन इंडिया लाइव। नमस्कार, धन्यवाद।